नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सर्दियाँ आते ही सारे खान पान बदल जाते हैं। ऐसे मौसम में बड़े बूढ़े गर्म तासीर वाली चीजों को खाने की हिदायत देते हैं। इससे शरीर को गर्माहट मिलने के साथ ही मौसमी बीमारियाँ भी दूर रहती हैं। यही वजह है कि सर्दियों में लहसुन, अदरक और काली मिर्च का खूब सेवन किया जाता है। वहीं सर्दियाँ आते ही घरों में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, ताकि ये शरीर को स्फूर्ति देने के साथ ही हेल्दी बनाए रखे। इसके अलावा लोग सर्दियों में घी में गोंद को भून कर खाते हैं, ताकि शरीर को एनर्जी मिलने के साथ हड्डियों का दर्द भी दूर रहे। वैसे गोंद का इस्तेमाल दवाइयों, बेकरी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। इसके अलावा इसे एनर्जी ड्रिंक्स, आइसक्रीम में भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सर्दियों में क्यों खाए जाते हैं गोंद। किसी पेड़ के तने को चीरने से जो लिक्विड निकलता है और जमकर ठोस हो जाता है, और इसे ही गोंद कहा जाता है। लेकिन ये भी जानने की जरूरत है कि हर पेड़ का गोंद खाने लायक नहीं होता। कीकर और बबूल का गोंद सेहत के लिए फायदेमंद होता है। मार्केट में आपको खाने वाला गोंद आसानी से मिल जाएगा, चाहे तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ठंड के मौसम में गोंद के सेवन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये शरीर में आवश्यक गर्मी बनाए रखता है। तो वहीं सर्दियों में गोंद का सेवन दिमागी तरावट और जोड़ों में दर्द और जोड़ों की अन्य सभी परेशानियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। गोंद हड्डियों को मजबूत करने में भी मदद करता है, साथ ही ये डिप्रेशन से भी बचाव करता है और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। गोंद खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सुधरती है, इसलिए सर्दियों में गोंद के लड्डू खाए जाते हैं। बता दें कि गोंद स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये एक स्किन केयर एजेंट के तौर पर काम करता है और चेहरे को अंदरूनी नमी भी प्रदान करता है। जिन लोगों को फेफड़ों से जुड़ी परेशानी है, कमजोरी और थकान महसूस होती है, उन लोगों के लिए भी गोंद बड़े ही काम की चीज है। ऐसे में रोजाना भुनी हुई गोंद का सेवन करना आपको हार्ट अटैक के खतरे से भी बचाता है। हृदय संबंधी अन्य रोगों के लिए भी ये फायदेमंद है। शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए भी गोंद के लड्डू या पंजीरी का सेवन किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।